हेलो बच्चों, आज हम खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन भाग चार के बारे में जानेंगे। इस भाग में हम कृषि से संबंधित जो तकनीक है उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे निंदाई एवं खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि खेतों में मुख्य फसल के साथ साथ बहुत सारे जो अवांछित उगाए या अनावश्यक जो पौधे होते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं या बनबूटा कहते हैं। तो खरपतवार को निकालना क्यों आवश्यक है, क्यों ये ज़रूरी है कि हम फसल के साथ उगे हुए इन खरपतवारों को हटाएं? यदि हम खरपतवारों को नहीं हटाएंगे, खरपतवार फसल के साथ साथ पोषक तत्व, जल, स्थान तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल के साथ, इसलिए इन्हें हटाना बहुत ही आवश्यक होता है। खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हम क्या क्या विधि अपनाते हैं चलिए जानते हैं। खरपतवार जो है वो जो नुकसान पहुंचाते हैं, मुख्य नुकसान यही है कि वो पौधों की वृद्धि को भी कम कर देते हैं, फसल की गुणवत्ता उत्पादन को प्रभावित करते हैं और कुछ जो खरपतवार होते हैं वो फसल के कटाई में भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। तो खरपतवारों को फसल से अलग करना वो निंदाई है या फिर उसे ही हम खरपतवार नियंत्रण भी कहते हैं। तो खरीफ फसल के साथ उगने वाले जो खरपतवार हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए दूबी, सांवा, कासी, मोथा, चौलाई, साठी, सरकंडा। इसी प्रकार रबी फसल के साथ उगे हुए जो खरपतवार हैं वे हैं बथुआ, जंगली जई, हिरणखुरी, भांगरा, लाल दूधी। तो ये सारे कुछ जो रबी फसल के खरपतवार हैं। खरपतवारों की निंदाई जब की जाती है तो हाथ द्वारा भी की जाती है और विभिन्न प्रकार के यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे फावड़ा, खुरपी, है ना, और हैरो, कल्टीवेटर, इसकी सहायता से भी खरपतवारों की निंदाई की जाती है। और कभी कभी खरपतवारों को हटाने के लिए या उनकी वृद्धि को रोक लगाने के लिए खरपतवार नाशक का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ रसायनों के छिड़काव के द्वारा भी खरपतवार को हटाया जा सकता है। प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जैसे नागफनी की रोकथाम एक विशेष कीट द्वारा की जा सकती है, जो जलीय खरपतवार नाशी होते हैं उसका नियंत्रण घास खाने वाली मछली के द्वारा किया जाता है। तो जीव भी खरपतवार नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो जीवों द्वारा जो खरपतवार का नियंत्रण होता है उसे हम जैविक नियंत्रण कहते हैं। फसल संरक्षण, जब फसलों की का उत्पादन हो जाता है इसके बाद हम फसल को कैसे बचा कर रख सकते हैं, कैसे उसको हम संरक्षित करेंगे, यही होगा फसल संरक्षण। तो फसलों को हमें बचाना होता है हानिकारक जीव जंतु से, पक्षी से, कीड़े मकोड़ों से, बीमारी उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि जीवाणु, विषाणु या कवक, इन सबको हम पीड़क कहते हैं। तो इनसे फसल को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब हम जानेंगे कि किस प्रकार इन पीड़कों से हम फसल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है खेतों में इस प्रकार से मेड़ बनाकर, कटीले तार से पूरा घेरा लगाकर हम आवारा जंगली पशुओं द्वारा जो फसल चराई होती है उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा है पक्षियों को भगाने के लिए काक भगोड़ा, आपने देखा होगा कि खेतों में अक्सर लगाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं जिससे कि बाहरी जो जीव हैं जिनसे फसलों को नुकसान हो सकता है उससे बचा जा सके। अगला है जीवाणु की कवक, कीट, चूहे, गिलहरी या जो पीड़क से फसल की सुरक्षा के लिए कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन रसायनों को हम जीवाणुनाशी के श्रेणी में भी रख सकते हैं, कवकनाशी या कीटनाशी इनकी श्रेणी में रख सकते हैं और इनके छिड़काव के द्वारा भी हम फसल को संरक्षित कर सकते हैं। कुछ पीड़क होते हैं उनके विनाश के लिए कभी कभी परजीवी, परभक्षी, जीवाणु अथवा कवक का भी प्रयोग किया जाता है और इसे हम जैविक नियंत्रण कहते हैं, क्योंकि परजीवियों का प्रयोग किया जा रहा है, परभक्षियों का प्रयोग किया जा रहा है, जीवाणुओं, कवकों, तो ये सारे जीवित हैं सूक्ष्म जीव, तो इसलिए इसे हम इस प्रकार के फसल संरक्षण को हम जैविक नियंत्रण भी कह सकते हैं कि पीड़कों से बचाव के लिए हम जैविक नियंत्रण कर सकते हैं।
ट्राइकोग्रेमा नामक जो परजीवी है वह गन्ना, चना, मूंगफली में रोग फैलाने वाले जो पतंग होते हैं, लार्वा होते हैं, उनको नष्ट करता है। इसी प्रकार एक परभक्षी होता है कॉक्सिनेला कीट, ये माहू को नष्ट करता है। परभक्षी पक्षियों जैसे कि बगुला, बतख, सारस का जैविक कीट नियंत्रण में बहुत अधिक महत्व है। ये फसलों के कीटों को खाकर उन्हें समाप्त कर सकते हैं। बुवाई के पहले खेतों में अच्छी तरह से जुताई की जाती है और इस जुताई के कारण मिट्टी में दबे हुए जो हानिकारक कीटों के अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, वो धूप लगने से, क्योंकि उलट पलट होती है मिट्टी में, तो उनको जब धूप लगता है तो वो भी समाप्त हो सकते हैं। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए मिश्रित जो फसल प्रणाली है वो भी एक कारगर उपाय है। साथ ही साथ जो सही फसल चक्र हम अपनाते हैं, यानी किस फसल के बाद, जैसे धान फसल है उसके बाद दलहन फसल, तो इस प्रकार फसलों को क्रमबद्ध तरीके से अदल बदल कर लगाने से भी कीड़ों का जो प्रकोप है वह कम हो सकता है। फसल कटाई एवं गहाई, अब हम जानेंगे क्या है फसल कटाई। तो फसल जब पक जाती है तो पकने के बाद उन उत्पादों को काटना भी है, तो इसे हम कहते हैं फसल कटाई। फसलों को काटने के लिए हसिये का प्रयोग भी किया जाता है, दरांती का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर फसल की कटाई में हार्वेस्टर का प्रयोग भी किया जाता है। फलों को तोड़ने के लिए हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, सब्जियों को हाथ से तोड़ते हैं। कभी कभी जब बहुत अधिक क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर ट्रैक्टर या पावर ट्रिलर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो चलित कटाई यंत्र होते हैं जिसे रिपर्स कहते हैं, उसके द्वारा भी फसलों की कटाई की जाती है। गहाई अथवा मढ़ाई या इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाएगा? गहाई। तो ये जो क्रिया है ये बेलन या दावन, जिसे दौरी भी कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। उन्नत जो कृषक हैं, यानी जो पारंपरिक कृषि के अलावा कुछ उन्नत तकनीकों को भी अपनाते हैं, तो वे कृषक थ्रेसर का प्रयोग करके भी गहाई करते हैं। गहाई के कुछ पारंपरिक तरीके, जैसा अभी हमने दो नए शब्द देखा था, बेलन एवं दावन, इसका प्रयोग करके भी गहाई की जाती है। अब देखिए कंबाइन, ये भी एक यंत्र है, लेकिन ये एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसके द्वारा दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, कटाई भी हो सकता है और गहाई भी हो सकता है। अब आप देखिए कि जब फसल तैयार है, फसल को काटा गया, उसमें से अन्न के दानों को अलग अलग किया गया, अब भंडारण भी करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी सारी जो मेहनत है, कृषक की जो मेहनत है, वो बर्बाद हो जाएगी। तो भंडारण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो फसल को काटने के बाद, गहाई के बाद जो अनाज के दाने होते हैं या अन्य उत्पाद होते हैं, उसको अधिक मात्रा में संरक्षित करना, सुरक्षित करना, वो कहलाता है भंडारण। और सही भंडारण यदि नहीं हो पाती है तो लगभग देखा गया है कि 30% भाग जो है वो चूहों के द्वारा, कीड़ों के द्वारा या किसी बीमारी लग जाने के कारण ये जो फसल है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो भंडारण की क्रिया है ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही सटीक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए ताकि हम फसल का बचाव कर सकें। तो जो किसान भाई होते हैं, व्यापारी हैं, तो ये अनाज का भंडारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भंडार गृह है, गोदाम है, जैसा आपने घरों में देखा होगा, कोठी बनी होती है, धातु से बने हुए कुछ कोठी होते हैं जिसे बिन कहा जाता है, या साइलो, इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से भी बने हुए जो भंडार गृह हैं वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में हम किसी भी फसल का भंडारण कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज, फलों सब्जियों जैसे कि आलू है, प्याज है, लहसुन, अदरक जैसे कुछ मांसल जो सब्जियाँ होती हैं जो जल्दी से गल जाती हैं, तो इन उत्पादों को बहुत ज़्यादा दिनों तक जब सुरक्षित रखना होता है तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। कोल्ड स्टोरेज का जो वातावरण है वो ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर तापमान बहुत कम हो, जो उत्पाद हैं सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं को, ये टेम्परेचर कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण यदि सूक्ष्म जीव पनपते हैं तो उसकी जो क्रिया होती है वो मंद हो जाएगी, या सूक्ष्म जीव इतने कम टेम्परेचर पर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो ये
कम टेम्परेचर या वहाँ का जो वातावरण है सूक्ष्म जीवों को पनपने से रोकता है, वहाँ होने वाली जो उनकी जैविक क्रियाएं हैं उसको कम कर देता है या समाप्त कर देता है, और चीज़ों को या जो फल है सब्जियां हैं उन्हें सड़ने से बचाता भी है। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीड़क क्या होते हैं, ये जाना हमने। तो फसलों को हानि पहुंचाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें हम पीड़क कहते हैं, और पीड़कों से बचाव के भी विभिन्न तरीके हमने इस पाठ में सीखे। बड़े स्तर पर जब फसल उत्पादों को सुरक्षित करना होता है तो उसे हम भंडारण कहते हैं, और भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है जिसमें बहुत कम तापमान पर विभिन्न प्रकार के सब्जियों को फलों को सुरक्षित रखा जाता है जहां पर सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते हैं या उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो मंद हो जाती हैं, जिससे वो काफ़ी दिनों तक फल सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जब हम घर में भंडारण की क्रिया करते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कोठी का, बिन का, या आप देखे होंगे साइलो, इस प्रकार के पात्र का प्रयोग करके हम भंडारण कर सकते हैं। कंबाइन एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कटाई एवं गहाई दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार जब गहाई के लिए जो पारंपरिक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उसमें बेलन है, दावन है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो उन्नत कृषक होते हैं वे हार्वेस्टर का प्रयोग भी करते हैं। बच्चों, इस भाग में जो आपको पढ़ाया गया उसी से संबंधित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, तो उम्मीद है बच्चों कि आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग से अपने नोटबुक में ज़रूर बना रहे होंगे। तो प्रश्न पहला है, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण क्यों आवश्यक है? दूसरा प्रश्न है, पीड़कों से फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है? और प्रश्न तीसरा, कंबाइन यंत्र के क्या क्या कार्य हैं? प्रश्न चौथा, फसल उत्पाद का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? पांचवा प्रश्न है आपके लिए, फसल चक्र से भूमि की उर्वरता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? तो बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करिए और याद भी करते चलिए, समझ कर पढ़िए तो आपको जल्दी से याद होगा। और जितने भी आपने कृषि यंत्र को देखा, कुछ पारंपरिक यंत्र को आपने जाना, कुछ नए यंत्रों को आपने जाना, तो उसको भी अपने दिमाग में एक छोटा सा, चूँकि पिक्चर के रूप में आप इसे देख रहे हैं, चित्र के रूप में देख रहे हैं, तो ज़रूर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही है। आप इसे कॉपी में, जैसा भी आपसे चित्र बनता है इन यंत्रों का, आप ज़रूर इन चित्रों को बनाकर भी देखिए और अपने घर में भी ढूंढिए। यदि आप कृषक परिवार से संबंध रखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ यंत्र आपके घर अवश्य ही होगा, तो आप उसे देखिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए इन चित्रों को। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए।